माताओं बहनों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, प्रसन्न रहे तथा उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े। पुत्रदा एकादशी का महापर्व श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। आज पुत्रदा एकादशी का महापर्व है तो सभी एकादशी का जो व्रत रखते हैं उन भक्त जनों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि व्रत का जो पारणा है उसका नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि व्रत तो आप करते हैं और आप चाहते हैं कि व्रत से मन वांछित कामना की पूर्ति हो या जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो, या आप चाहते हैं कि आपकी संतान की उन्नति हो, संतान की प्रगति हो, या फिर आपके घर में संतान अभी तक नहीं आई है तो संतान प्राप्ति का योग आपके जीवन में बने। लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण ये रहेगा कि यदि आपने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है तो आपको उसके पारणा का भी नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम पारणा का विधिवत पालन करेंगे तो ही हमें व्रत का फल प्राप्त हो पाएगा। और एकादशी का जो व्रत होता है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत का पारणा आप किस समय करते हैं तथा कौन सी वस्तु खा करके या फिर आपको किस विधि से पारणा करना चाहिए, क्योंकि पारणा की भी एक विधि होती है। जिस प्रकार आप एकादशी का व्रत करते हैं उसी प्रकार आपको पारणा का नियम भी पालन करना होगा। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि पारणा करने का क्या महत्व है और पारणा करने के बाद आपको सबसे पहले कौन सी वस्तु का ग्रहण करना चाहिए। धर्म ग्रंथों और पुराणों में पारणा का विशेष महत्व माना गया है। एक समय की बात है, लघु और संक्षिप्त कथा हम आपको पारणा के संदर्भ में सुना दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वस्तु ऐसी है जिनको खा करके और किस समय आपको पारणा करना चाहिए। एक समय की बात है कि अयोध्या के जो रघुवंश के राजा हुए थे उनका नाम था अमरीश, और अमरीश भगवान नारायण के परम भक्त थे। वो प्रत्येक एकादशी का विधिवत व्रत करते थे। दोनों पक्ष में जो एकादशी आती थी उनका व्रत करते थे और द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में वो पारणा किया करते थे। उनका नियम कई वर्षों तक निरंतर चल रहा था। एक समय की बात है, उनके राज्य में, उनके राजमहल में महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। दुर्वासा ऋषि को देख करके राजा अमरीश बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज मेरे घर में अतिथि का आगमन हुआ है, अतिथि स्वरूप संत का आगमन हुआ है। जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं या व्रत आदि करते हैं, ऐसे दुर्लभ समय में यदि संत का, अतिथि का आगमन होता है तो बड़ा ही शुभ और कल्याणकारक माना जाता है। तो राजा अमरीश उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनके चरणों की वंदना की, उनके चरण धोए और उनको एक उच्च आसन पर विराजित किया तथा उनसे निवेदन किया कि हे महात्मा, आपके लिए मैं भोजन की व्यवस्था करवा दूं, आप भोजन आदि ग्रहण कर लीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी हमने स्नान आदि नित्य कर्म नहीं किया है, इसलिए हम पहले जाकर के सरयू नदी पर स्नान करेंगे, उसके पश्चात ही हम स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही बोला, राजा अमरीश ने कहा कि जो आज्ञा महाराज, आप जैसा उचित समझे वैसा करिए। दुर्वासा ऋषि सरयू नदी में स्नान करने चले गए। इधर राजा अमरीश ने देखा कि द्वादशी तिथि निकल जा रही है और द्वादशी तिथि व्यतीत होने के पूर्व पूर्व उनको एकादशी व्रत का पारणा करना था। चूंकि एक दिन पहले से उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था, इसलिए शुभ मुहूर्त में श्रेष्ठ समय में उनको पारणा करना था। तो उन्होंने अपने कुल गुरु को बुला करके पूछा कि महाराज, एकादशी तिथि का मुझे पारणा करना है और द्वादशी तिथि निकल जा रही है, तो आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं पारणा कब करूं और मेरे यहां संत का आगमन हुआ है,
यदि मैं उनको बिना भोजन करवाए बिना सत्कार करे यदि पारणा कर लूंगा तो मुझे एकादशी का फल नहीं मिलेगा और मुझे पाप भुगतना पड़ेगा। इसलिए महाराज आप कोई ऐसा उपचार या ऐसा कोई कार्य मुझे बताइए कि जिससे मुझे एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो जाए, मैं सही समय पर पारणा भी कर लूं तथा मेरे घर जो ऋषि का आगमन हुआ है उनका भी मैं आतिथ्य और स्वागत अच्छी प्रकार से कर सकूं। तो उनके कुल गुरु ने उन्हें आज्ञा दी कि राजन आप व्रत का पारणा चूंकि एकादशी तिथि में ही आपको करना चाहिए और एकादशी तिथि जब समाप्त हो जाए और द्वादशी तिथि जब लग जाती है तब पारणा करना चाहिए, यानी हरि वासर में पारणा करना चाहिए। इसलिए द्वादशी तिथि के समाप्त होने के पहले पहले आपको पारणा करना आवश्यक है क्योंकि आपके महल में आज महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ है। ऐसे में यदि आप उनको बिना भोजन करवाए ही पारणा कर लेंगे तो आपको एकादशी का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा और यदि आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो आपको दोष भी लगेगा। इसलिए उपयुक्त ये रहेगा कि आप आज केवल जल और तुलसी पत्र से ही एकादशी का व्रत का पारणा कर लीजिए और द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पहले आपको पारणा कर लेना चाहिए क्योंकि समय यदि निकल गया तो आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस प्रकार अपने गुरुदेव की आज्ञा को मान करके राजा अमरीश ने हाथ में जल और तुलसी पत्र ले लिया और उससे उन्होंने पारणा कर लिया। महर्षि दुर्वासा ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये राजा मुझे बिना भोजन करवाए ही व्रत का पारणा कर रहा है और तुरंत कुपित होकर के सरयू नदी से वो अयोध्या के राजमहल में आ गए। राजा अमरीश के ऊपर कुपित हो गए और दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। उस बाल से एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। राजा अमरीश को मारने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी दौड़ती है, उसी समय भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आकर के कृत्या नाम की जो राक्षसी थी उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया और उस राक्षसी का वध सुदर्शन चक्र के द्वारा हो गया। अब क्या था, सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि भागते भागते सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि सुदर्शन चक्र तो नारायण के अधीन है, इसलिए मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। उसके बाद दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भगवान शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी इनकार कर दिया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े क्षीर सागर में नारायण के पास पहुंचते हैं। नारायण को प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा कीजिए, पाहिमाम पाहिमाम प्रभु। तो नारायण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ भी आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा ऋषिवर, भक्त जैसा आदेश करता है वैसा ही मैं कार्य करता हूं, इसलिए आप कृपा करके मेरे भक्त अमरीश के पास जाइए, वो ही आपकी रक्षा कर पाएंगे। दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि पुनः अमरीश के पास आए और सुदर्शन चक्र भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो अमरीश ने सुदर्शन चक्र से निवेदन किया कि हे सुदर्शन जी, आप अपना कोप शांत कर लीजिए। प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और दुर्वासा ऋषि सुरक्षित हो गए। उसके बाद राजा अमरीश ने दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर करके प्रणाम किया कि हे महर्षि, आज मेरे कारण आपको इतना भारी कष्ट उठाना पड़ा है, मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, और उनका अच्छी प्रकार से आतिथ्य किया, स्वागत किया, सत्कार किया तथा उनके द्वारा जो है जो भोजन वहां पर तैयार हुआ था उस भोजन को भी अच्छी प्रकार से दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाया, उसके बाद उनको ससम्मान वहां से विदा किया। इस प्रकार एकादशी व्रत का पारणा महत्वपूर्ण होता है और सही समय पर किया गया पारणा ही एकादशी का फलदायी होता है। इसलिए आप भी यदि एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको द्वादशी तिथि में, यानी आपने 30 जुलाई को जैसे व्रत किया है आज के दिन, तो आपको 31 जुलाई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठने के पश्चात आपको शुद्ध जल से स्नान करना है तथा शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना है और जो धुले हुए वस्त्र आप पहने उसके बाद अपने भगवान का नित्य पूजन करें तथा उसके पश्चात आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
और अपने देव स्थान मंदिर में या फिर पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके एक आसन पर आपको बैठना है। एक जल का पात्र अपने पास रखना चाहिए, तुलसी पत्र अपने पास रखना चाहिए तथा सीधा सामग्री जैसे आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर, फल, मिठाई या जो भी आपकी श्रद्धा या आपकी शक्ति है वो दान सामग्री भी अपने पास आप रख लीजिएगा। जो भी आपकी श्रद्धा है, जो हैसियत है, यदि कुछ नहीं है तो केवल एक मुट्ठी चावल भी आप दान हेतु वहां पर रख लीजिए और सभी सामग्री अपने पास में रख लीजिए तथा हाथ में जल लीजिए और जल लेकर के कहिए, इस प्रकार आपको संकल्प लेना है, 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है और उच्चारण करने के बाद आप कहिए कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम बोल सकते हैं। उसके बाद कहिए कि मैंने पुत्रदा एकादशी का विधिवत व्रत किया है, इसमें मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना तथा मेरे समस्त कार्यों को सिद्ध करना, मेरी समस्त मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करना और मेरे जीवन के सभी संकट और कष्टों का हरण कर लेना। हे प्रभु लक्ष्मी नारायण, आज मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार जल लेकर के और भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए तथा उसके बाद आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा करने के लिए सर्वोत्तम वस्तु यदि कोई है तो वो तुलसी पत्र और जल होता है। यदि आपके पास तुलसी पत्र उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी सामग्री खा करके, पी करके, जल पी करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगले दिन यदि कोई व्रत करना है तो आप फलाहारी वस्तु या फल से पारणा कर सकते हैं और यदि आपको कोई व्रत नहीं करना है तो आप अन्न से व्रत का पारणा कर सकते हैं। वैसे तो चावल से भी व्रत का पारणा करना सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि चावल देव अन्न है और देव अन्न को हमने दशमी तिथि से त्याग कर दिया था। एकादशी को भी चावल का त्याग कर दिया जाता है और द्वादशी को अनिवार्य रूप से चावल को यानी देव अन्न को सम्मान देते हुए व्रत का पारणा चावल के माध्यम से करना चाहिए या फिर आप भोजन से दाल, चावल, रोटी या अन्य भोजन सामग्री से जो कि शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इस पारणा में आपको लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र वस्तु से ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए तथा व्रत का पारणा करने के बाद आप दिन में आप चाहे तो 1 बार, 2 बार, कभी भी दिन भर आप चाहे जितनी बार भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन पारणा की यह विधि हमने आपको बताई है। यदि एकादशी व्रत के दिन या दशमी के दिन आपके घर में चावल बन जाते हैं या गलती से आप दशमी के दिन चावल खा लेते हैं या और कोई नियम आपके द्वारा भंग हो जाता है तो उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए क्योंकि प्रभु तो दयालु है, कृपालु है और भक्तों की गलतियों को, उनके अपराध को क्षमा कर ही देते हैं। और इसके बाद आपको जैसे आपने यदि गलती से चावल बना लिए या चावल खा लिए तो आपको द्वादशी के दिन चावल का दान अनिवार्य रूप से मंदिर में ब्राह्मणों को या फिर जरूरतमंद लोगों को, साधु संतों को दान करना चाहिए जिससे आपके द्वारा जो भी अपराध हो गया है या चावल आपने खा लिए हैं तो उस अपराध से आप मुक्त हो जाएंगे और आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। तो इस विधि से आपको इस समय जो पारणा का रहेगा वो सुबह यानी 31 जुलाई को सुबह 5:54 से पारणा का समय प्रारंभ होगा जो कि सुबह 9 बजे तक रहेगा। यानी सुबह 5:54 से लेकर के 9 बजे तक आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा में फलाहारी वस्तु, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बनी मिठाई ले सकते हैं, चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, बाटी खा सकते हैं, पूड़ी खा सकते हैं या अन्य शुद्ध भोजन सामग्री से आप पारणा कर सकते हैं। और आपने जो दान की वस्तुएं निकाल करके रखी है, आटा, दाल, चावल, ये सारी सामग्री के आसपास आप जल फेर करके उस सामग्री को आप ब्राह्मण को दान कर दे, साधु संतों को दान कर दे, मंदिर में दान करे या फिर गरीबों या जरूरतमंद लोगों को भी आप दान कर सकते हैं क्योंकि द्वादशी के दिन दान का भी महत्व माना गया है।
इस दिन जल कलश का दान भी किया जाता है, वस्त्र का दान भी किया जाता है, छाता का दान किया जाता है, या फिर अन्य कोई भी दान सामग्री आप इस दिन दान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन दान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, इसलिए आप अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी कारणवश आपके यहाँ यदि लॉकडाउन लगा हुआ है या अन्य कोई परिस्थिति है, तो आप दान की सामग्री निकाल करके रख दीजिए और जब भी आपको मंदिर जाने का अवसर मिले तब आप जा करके दान सामग्री को मंदिर में ब्राह्मण को, साधु संतों को दान कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।